देखिए 5 दिसंबर को दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास, 3-3:15 बजे के बीच में भाईपुर गांव थाना कोतवाली देहात में, जब एक शादी समारोह से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस लौट रहे थे, तो 3 गाड़ियों के साथ थे और उन गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, 1 की मृत्यु हो गई थी, 4 घायल इलाजरत हैं, खतरे के बाहर। इस घटना में हाजी यूनुस के द्वारा अपने 4 सगे भतीजों और 1 रिश्तेदार और 1 अन्य व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने और अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायरिंग करने की FIR दर्ज कराई गई। हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयास करते हुए मात्र 24 घंटे में घटना में सम्मिलित शूटर्स की शिनाख्त कर ली थी और लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। दिनांक 10-12 को इस घटना का जो लीडर था लाखन, जो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और घटनास्थल पर जिसे क्रॉस फायरिंग में पेट में गोली लगी थी, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और बुलंदशहर हॉस्पिटल में ला के एडमिट कराया गया। और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो हमारी लाइन थी उसकी पुष्टि हुई, घटना में सम्मिलित जो अन्य अपराधी थे जिनके शिनाख्त हमारी पुलिस ने किया था, जिन्हें आइडेंटिफाई किया था, वो सब वही पाए गए जो लाखन ने बताया। उसी क्रम में लगातार हमारी टीम प्रयास करती रही। बीती रात घटना में प्रयुक्त जो वाहन था स्विफ्ट कार, हमने पहले ही पता लगा लिया था कि वो स्विफ्ट कार किसकी है। वो सहान नाम के व्यक्ति की है जो दरियापुर कोतवाली देहात का रहने वाला है। उस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट के सहारे घटना कारित की गई थी, उसमें खून के धब्बे भी पड़े हुए हैं। तो उस कार के साथ ये 3 अन्य शूटर, घटना में कुल 5 शूटर थे और 2 अपराधी रेकी कर रहे थे, तो 5 में से 4 शूटर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो बीती रात 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें 1 नीतीश भाटी है, वो उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव का पहला अपराधी लाखन जो अरेस्ट हुआ था सिकंदराबाद का, उस गांव का है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन मनबर टाइप का है। दूसरा गिरफ्तार अपराधी आसिफ है जो मूलतः हरदोई का रहने वाला है, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर Phase 3 में रह रहा था। ये साथी लुटेरा है, लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है। तीसरा गिरफ्तार अपराधी दीपक है, ये कचैड़ा बादलपुर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, इसके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही। तो इस तरह गिरफ्तार 3 अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट कार व घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 पिस्टल 9 mm की है, 4 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल 32 बोर की है, 7 जिंदा कारतूस ये बरामद हुए हैं। गाड़ी से 2 फर्जी नंबर प्लेटें भी मिली हैं। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह इस सनसनीखेज घटना का पूरी तरह से अनावरण खुलासा करते हुए घटना के 5 शूटर्स में से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष जो अभियुक्त हैं जो साजिश में किसी न किसी रूप में इस घटना से जुड़े रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इनमें से 1 अपराधी के पैर में घुटने में गोली लगी है जिसको आप लोग देख रहे हैं, और इसने दीपक नागर है जिसको घुटने पर गोली लगी है। इसने डॉक्टर को बताया था गाजियाबाद में जहाँ इसने इलाज कराया कि ये स्वतः गोली मार लिया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को सूचना देते, लेकिन इस तरह की कोई सूचना गाजियाबाद के उस डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई है। इस संबंध में भी हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नहीं, ये सभी गैर लाइसेंसी लेकिन अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के 9 mm की पिस्टल और 32 बोर की पिस्टल है। हाँ बिल्कुल, ये कारतूस और असलहे कहाँ से प्राप्त किए गए हैं ये भी हमारी जांच का विषय है और हमारे पास इसके संबंध में अभिसूचना भी है, उस आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे इस घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पूर्व से है तकनीकी आधार पर, और उस तकनीकी आधार की पुष्टि इनके बयानों के आधार पर। Time 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।